हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 95। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 95। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि यूपी त्रिपलेसी आयोग द्वारा जो दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों जारी कर दिया गया था, और दोस्तों उसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 7 तारीख से दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने यानी जिन विद्यार्थियों ने अपना जो फॉर्म है वो दोस्तों ऑनलाइन सबमिट कर दिया था, लेकिन दोस्तों उन व्यक्तियों का किसी किसी का दोस्तों यहाँ पर जो फाइनल प्रिंट है वो दोस्तों किसी वजह से नहीं निकल पाया है। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से अपना जो फाइनल प्रिंट है वो निकालना है और दोस्तों उसका जो PDF है वो दोस्तों आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करके उस पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आप तक तुरंत पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपको सर्च वाले ऑप्शन में आपको टाइप कर लेना है UP3LSC.gov.in। तो दोस्तों जैसे ही आप UP3LSC.gov.in टाइप करते हैं आपके सामने, सर्च करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसकी जो वेबसाइट है उसका जो मुख्य पेज है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने इस तरह से खुल कर आएगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर एक एप्लीकेंट सेगमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडिंग रिमेनिंग डिटेल सबमिशन एंड फीस डिपोजिशन एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू PET रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइल रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपनी चेंज कर सकते हैं। अपनी जो प्रिंटेड डिटेल थे एप्लीकेशन फॉर्म की वो यहाँ से आप ऑनलाइन यहाँ से अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो फॉर्म था दोस्तों जिन लोगों ने फिल कर दिया था उन लोगों का, अगर दोस्तों यहाँ पर फॉर्म किसी वजह से सर्वर की वजह से या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों फाइनल प्रिंट नहीं निकल पाया तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू PET वाला एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर न्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना PET का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको इसमें से डे फिर मंथ उसके बाद इस तरह से आपको ईयर वगैरह सेलेक्ट कर देनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी RU डोमिसाइल उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी तो आपको यहाँ पर यस करना है। उसके बाद आपको अपनी जो भी कैटेगरी OBC SC जनरल ST वगैरह वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और दोस्तों आपको जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स में फिल करके क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर PET का और दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये सारी जानकारी फिल कर ली है, फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैंडिडेट UP3LSC यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड है आपके सामने खोल कर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ होगा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 एडवर्टाइजमेंट 01 एग्जाम 2021। और दोस्तों आपका यहाँ पर स्कोर कार्ड भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से अपना PET का जो दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना स्कोर कार्ड। और जब दोस्तों आपने अपनी लेखपाल की वैकेंसी फॉर्म फिल किया है वो आपको यहाँ पर नीचे आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सीरियल नंबर 1 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 एग्जाम 2022 और यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर लेखपाल यहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर इनिशियल डिटेल फील्ड यहाँ पर कंप्लीट का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। फोटो अपलोड हुए नहीं हुए यहाँ पर दोस्तों सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं, सिग्नेचर नहीं हुए या हो गए तो यहाँ पर भी डिटेल आपको सक्सेसफुली मिल जाती है, अदर डिटेल भी सक्सेसफुली, फीस डिपोजिशन भी सक्सेसफुली हो गई और दोस्तों एप्लीकेशन जो फाइनल सबमिट हुआ वो भी सक्सेसफुल हो चुका है सबमिट। अगर दोस्तों इसके बाद आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि अपना संशोधन किसी प्रकार करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों आपने अपना प्रिंट जो फॉर्म अपने जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म अगर अपने प्रिंट नहीं लिया है तो आप उस पर प्रिंट भी कर सकते हैं और अपना जो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है अपने फॉर्म का यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने जो फॉर्म के एप्लीकेशन यानी जो फाइनल प्रिंट है वो डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ।
जैसे दोस्तों आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर प्रिंट वाला, प्रिंटर वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने जो आपकी फॉर्म की जो PDF हो आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगी। आप उसे अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप कंप्यूटर पर हैं तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर पर अपने फॉर्म का PDF प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्लीट फॉर्म का प्रिंट विद फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला निकाल सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इससे दोस्तों आपको क्या है कि आगे फ्यूचर में कोई भी दोस्तों रेफरेंस के लिए आपको ये रखने के लिए दोस्तों हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी दोस्तों पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड दोस्तों ऐसी वीडियो को आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।